अभी जो पुराना राउटर है उस पर मुझे 50 Mbps का कनेक्शन है, लेकिन कितनी स्पीड मिल रही है? अराउंड 13 to 14.4 GHz वाईफाई एंड देयर इज 5.0 ऑल्सो. एक्चुअली आई हैव अ 50 Mbps नेटवर्क स्पीड, सो एज यू कैन सी आई एम गेटिंग क्लोज टू 44 ऑन अ डिफरेंट फ्लोर. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईपी रिव्यूज. और आज जो है हम एक स्पेशल अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, जो कि है एक ड्यूल बैंड वाईफाई राउटर की. और ये जो है लिंकसिस का प्रोडक्ट है. और इससे पहले भी जो मेरे पास राउटर था वो लिंकसिस का ही था जो मैं यूज़ कर रहा था. तो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, साथ में हम देखेंगे स्पीड टेस्ट कि जो वाईफाई पे है हमें क्या स्पीड मिलती है यूजिंग प्रीवियस राउटर जो 2.4 GHz पे था, और इसको लगाने के बाद हमें क्या स्पीड मिलती है. तो मेन रीज़न यही है कि जो मुझे स्पीड है, जैसे कि आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी नोकिया टीवी की, जिसके अंदर मुझे थोड़ा बहुत इशू आ रहा था कनेक्टिविटी में, क्योंकि मेरा जो राउटर है वो फर्स्ट फ्लोर पे है और जो टीवी है जो अपर फ्लोर पे है, तो उस वजह से जो है थोड़ा कनेक्टिविटी का इशू आ रहा था. सो अनबॉक्स करने से पहले सबसे पहले मैं इसकी जो है स्पेशलिटी बता देता हूँ. ये जो राउटर है ये ड्यूल बैंड राउटर है, 2.4 एंड 5 GHz दोनों पे चलेगा. 5 GHz पे जो है स्पीड हमें जो है फुल जो हमारा ISP जो प्रोवाइड करता है. अभी मेरा जो है 50 Mbps का प्लान है, तो 50 Mbps के प्लान पे मुझे जो स्पीड मिलती है यूजिंग 2.4 GHz राउटर ओल्ड राउटर से जो मिलती है वो अराउंड 17 इतना जो है Mbps मिलती है. सो इसको लगाने के बाद होपफुली जो है जो 50 Mbps जो हमें फुल जो है हमारे को ये 90 to 95% मेरे को लगता है स्पीड देगा, वो तो लगाने के बाद पता चलेगा. तो उम्मीद मुझे पूरी है कि ये 5 GHz बैंड है जो वाईफाई पे, उस पर हमारे को फुल स्पीड देगा अप टू 50 Mbps जो हमारा ISP सपोर्ट करता है और जो मेरा प्लान है अभी के लिए. और ये 10+ डिवाइसेस सपोर्ट करता है. और इसके साथ साथ जो है इसके अंदर जो है आप जो ये एरिया कवर करता है वो अराउंड 1000 square feet का एरिया जो है ये कवर करता है, ऐसा इसके ऊपर लिखा हुआ है. तो वो भी हम चेक करेंगे. और अगर हम मीटर्स में बात करें तो ये 90 square meters का जो है एरिया कवर करता है. हाँ, वॉइस को पेनिट्रेट करने को थोड़ा सा इशू आता है 5 GHz में, तो वो हम 2.4 GHz से काम चला लेंगे. बट स्टिल हमें जो है मेन तो स्पीड पे फोकस करना है, और 2.4 होपफुली इसका जो है ज़्यादा अच्छा होगा. और ये जो है एक गीगाबाइट कनेक्शन वाला राउटर है, इसका जो मॉडल नंबर है वो E5600 है. ये जो रिटेल प्राइस इसका है वो अमेजोन पे 5000 का है, बट उधर कोई डिस्काउंट चल रहा था ड्यूरिंग दिस सेल, तो ये मुझे पड़ा अराउंड 3200 का. सो काफ़ी अच्छी डील मिली. इसको ओपन, और सबसे पहले जो हमें यहाँ पे मिलती है एक क्विक स्टार्ट गाइड, और साथ में हमें यहाँ पे क्या मिलता है वो भी देख लेते हैं. हमारे को यहाँ पे साथ में जो है एक नॉर्मल इंडियन काइंड ऑफ कनेक्टर मिल जाता है, और एक और कनेक्टर है हमारे पास, तो देखना पड़ेगा. काफ़ी डिफरेंट तरह के कनेक्टर हमारे को यहाँ पे प्रोवाइडेड है, किस लिए ये वो भी देखेंगे हम. और एक ये भी हम देखते हैं हमारे को और क्या मिलता है इसके साथ. सो हमारे को एक RJ45 जो है केबल भी मिलती है इसके अंदर, सो अच्छी बात है. लेंथ की अगर बात करें तो मे बी अप टू, ज़्यादा नहीं है लेंथ इसकी, मे बी 1.5 meters, इससे ज़्यादा नहीं है बस, या फिर 1 meter ही लग रही है मुझे, उससे कम 1.5 भी नहीं लग रही है. खैर ये चीज़ थोड़ा अच्छा नहीं लगा मुझे. और इसके साथ जो है ये हमारा अडॉप्टर है, आप देख सकते हैं कुछ डिफरेंट तरह का अडॉप्टर यहाँ पे दिया गया है. इसी के आगे जो है वो कनेक्शन जो आपको मैंने दिखाए थे अलग अलग, वो इसके आगे लगेंगे. और ये नॉर्मल ये वाले पिन वाला अडॉप्टर है. तो अब चलिए, अब मेन चीज़ जो हमारा राउटर है. सो फ्रेंड्स, हियर इज़ द राउटर इटसेल्फ. और जैसे कि आप देख सकते हैं
काफ़ी कॉम्पैक्ट राउटर है। फ्रंट में जो है हमारे को सारे जो है कनेक्शन की लाइट्स मिल जाती हैं। यहाँ पे हमें पावर है, इंटरनेट है, और यहाँ पे डिफरेंट जो पोर्ट्स हैं, 4 पोर्ट्स जो है हम कनेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर। तो उसका भी हमारे को यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, वहाँ पे लाइट जो है हमारे को सिग्नल करेगी। और साइड पे जो है लिंक्स इसकी ब्रांडिंग है, और इस साइड पे भी सेम है। डाउन में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे को जो है मॉडल नंबर बता रहा है, ये लिंक्सिस जो है E5600, और ये जो है लेटेस्ट मॉडल है इंडिया में। आपको कोई भी इसकी वीडियो नेट पे भी नहीं दिखेगी। मुझे लग रहा था काफ़ी बड़ा होगा। और बैक में देखिए, आपको यहाँ पे बटन WPS का बटन मिल जाता है यहाँ पे। तो आप इसको जो है, आप चाहे तो रेंज एक्सटेंडर यूज़ करके आप किसी रेंज जो है बढ़ा सकते हैं। रीसेट का बटन है यहाँ पे। 1, 2, 3, 4 पोर्ट्स हमें मिलते हैं RJ45 के। यहाँ पे हम अपना जो है मेन जो इंटरनेट प्रोवाइडर वाली वायर है वो यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे पावर कनेक्शन है, और यहाँ पे एक अलग से डेडिकेटेड स्विच दिया है ऑन ऑफ करने के लिए। सो फ्रेंड्स, अब मैं स्पीड टेस्ट कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं अभी जो पुराना राउटर है उस पर मुझे 50 Mbps का कनेक्शन है, लेकिन कितनी स्पीड मिल रही है, अराउंड 13-14 Mbps की स्पीड जो मुझे मिल रही है। ये पुराना राउटर है मेरा लिंक्सिस का, उससे मुझे ये स्पीड जो है मिल रही है, डाउनलोड स्पीड इतनी मिल रही है। और देख सकते हैं 13.28, और रात को कई बार ये स्पीड बढ़ के 17 हो जाती है। अभी मैं दूसरे फ्लोर पे हूँ, मैं भी शायद इस वजह से थोड़ा कम आ रही है, तो लगभग 17 की स्पीड मुझे मिल जाती है ऑन एवरेज। सो अब हम इसको लगाते हैं और देखते हैं क्या फ़र्क आता है। लेट मी शो यू, राइट नाउ आई एम कनेक्टेड टू माई 2.4 GHz वाईफाई, एंड देयर इज 5.0 ऑल्सो। सो लेट मी शो यू द स्पीड राइट नाउ आई एम गेटिंग। So let's do the test again. Actually, I have a 50 Mbps network speed. So as you can see, I am getting close to 44 on a different floor. And when I was on the same floor, I was getting 50% more than that. So 45 Mbps speed, that too on different floor. So this is the difference of a good Wi-Fi router. सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो 5.0 का जो सिग्नल है वो आधा आ रहा है, लेकिन 2.4 का पूरा सिग्नल आ रहा है। सो ये फ़र्क है। अगर आप 5.0 जो है उसका थोड़ा रेंज कम होती है, लेकिन फिर भी अभी कनेक्शन अच्छा है। सो अब इस बार अब एक स्पीड टेस्ट करके देखते हैं। इससे पहले 2.4 पे जो है हमारे को 45 Mbps मिल रही थी, और अब 5.0 GHz पे देखते हैं कितनी स्पीड मिलती है। सो ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिल रही है। सो अब हमने एक 4K वीडियो चलाई है। लेट मी शो यू इन द सेटिंग्स डिपार्टमेंट कि अभी ये किस पे चल रही है। अभी ये 2K पे है, इसको 4K पे लेके जाते हैं और अब देखते हैं कि क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि पहले जो है 4K वीडियो ढंग से चलती नहीं थी, अटकती थी, तो अब जो न्यू राउटर है उससे देखते हैं कैसी चल रही है वीडियो। सिर्फ अराउंड 1 मिनट में आपको चला के दिखाऊंगा इस वीडियो को, ताकि एक आपको ग्लिंस मिल जाए कि ये राउटर से जो है कितना फर्क आ रहा है। और मेरा राउटर जो है वो डिफरेंट फ्लोर पे है, ये जो न्यू राउटर लगाया मैंने, स्पीड में ऑब्वियसली जो है डिफरेंस है। पहले आपने देखा 17 Mbps स्पीड मिल रही थी, अब 45 से भी ऊपर मिल रही है। और आप क्लैरिटी देखिए, क्या गॉर्जियस क्लैरिटी आ रही है 4K पैनल की। एक बार फॉरवर्ड करके भी प्ले करके दिखाता हूँ कितनी देर में वीडियो चलती है, वो भी देख लेते हैं। देखिए आप, थोड़ा सा टाइम लिया, बट अभी मेरा जो दूसरा टीवी है वो 5 जो राउटर के पास है वो 5 GHz के साथ कनेक्टेड है, तो दोनों को जो है ये बैंडविड्थ जो है शेयर कर रहा है। फ्रेंड्स, तो देखा आपने एक वाईफाई राउटर ड्यूअल बैंड चेंज करने पे कितना जो है स्पीड का डिफरेंस आता है। जो 2.4 GHz के पुराने राउटर्स हैं वो जो है आज की डेट में आपको एक अच्छी जो आपकी जो ISP स्पीड प्रोवाइड करता है वो पूरी प्रोवाइड नहीं कर पाता, मोर देन 50% जो है उसको नीचे कर देता है। सो अगर आप चाहते हैं गुड स्पीड और गुड कनेक्टिविटी अराउंड योर होम, सो आपको एक ड्यूअल बैंड वाईफाई पे जो है स्विच ओवर कर लेना चाहिए। और डोंट गो विद
टीपी लिंक और नेटगेयर, मुझे जो है लिंकसिस का जो है मुझे काफ़ी ये अच्छा लगा, क्योंकि ये गीगाबाइट राउटर है। जब इसको मैंने अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया था तो मुझे जो स्पीड मिल रही थी वो अप टू 75 Mbps मिल रही थी, जबकि मेरा कनेक्शन जो है वो 50 Mbps का है। तो 75 से थोड़ा सा ड्रॉप किया, बट वो 55 के अराउंड जो है स्टेबल था। सो ये एक अच्छी चीज़ है। तो आपने देखा, इसको लगाने के बाद आपके जो है, आपके पास दो वाईफाई जो है बैंड अवेलेबल होते हैं, तो आप 5 GHz के जो बैंड है वो अपने जो आपकी डिवाइसेस पास रहते हैं राउटर पे उस पर कनेक्ट कर सकते हैं, और 2.4 वाले को आप जो है एक जो डिफरेंट फ्लोर पे है आप उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने टीवी में देखा, पहले मुझे थोड़ा सा इशू आता था, मेरे जो वाईफाई राउटर है पुराना वाला वो 4K जो है ढंग से नहीं चला पाता था, बफरिंग होती थी, लेकिन अब जो है स्मूथली ट्रांजिशन हो रही है, कोई भी इशू नहीं आ रहा। सो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ गिव अ थम्स अप और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर किसी को वाईफाई राउटर कोई भी खरीदना है, अगर कोई क्वेरी है तो जरूर कमेंट कीजिए। होप वीडियो पसंद आई हो।